हाय फ्रेंड्स, क्या आप ये जानना चाहते हैं कि आप ब्लॉगर से फ्री में वेबसाइट बनाकर पैसे कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते? इसका जवाब जानने के लिए आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा। मैं नवीन कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ब्लॉगर एक प्लेटफॉर्म गूगल का दिया हुआ, प्रोवाइड किया हुआ है। इस पर आप क्या करते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, बेसिकली ब्लॉग लिख सकते हैं आप इस पर। वेबसाइट और ब्लॉग में केवल इतना फर्क होता है कि जो है आप ई कॉमर्स पे अपना कोई प्रोडक्ट डिजिटली या वैसे सेल कर रहे होते हैं, और ब्लॉग पे आप अपने विचारों को परोस रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, लिख के आप किसी चीज को बताते हैं। अब उसमें आप इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं? तो सबसे पहला जो रेवेन्यू का एक मॉडल आता है वो एडसेंस आता है, गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस क्या होता है, जब आपकी वेबसाइट पे विजिटर आने लगते हैं तो एड दिखाया जाता है। आपने अक्सर टीवी वगैरह पर भी देखा होगा टीआरपी। टीआरपी क्या होता है, जिस टाइम पे उसका टीआरपी चैनल का बढ़ा होगा उसका एड का रेट ज्यादा होता है। एग्जाम्पल के लिए बता दूं, बहुत सारे कोई फेमस मैच आ रहे होते हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच वर्ल्ड वाइड देखा जाता है बहुत ज्यादा, उस वक्त चैनलों की टीआरपी बढ़ी होती है। स्टार स्पोर्ट पर अगर आ रहा तो उस वक्त उस चैनल पे एड का जो रेट है वो और के मुकाबले बहुत ज्यादा होता है। इसी प्रकार गूगल को बेसिकली, गूगल एडसेंस का काम क्या है, जैसे मेरे को अपना प्रचार करवाना और मैंने उसको पैसा दिया तो वो ऐसी जगह दिखाएगा ना जहां पर ज्यादा से ज्यादा विजिटर आते हो, ज्यादा से ज्यादा मेरा एड दिखेगा, वो ऐसी जगह दिखाएगा। अब इसके पैरामीटर भी मैं अगले वीडियो में बता दूंगा कि आपको क्या क्या वेबसाइट के लिए पैरामीटर चाहिए, कैसे आपको गूगल एडसेंस का जो अप्रूवल मिलेगा वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और दूसरी चीज, सबसे आसान तो नहीं कहूंगा मैं, सबसे ज्यादा इनकम जनरेट करने वाली, एफिलिएट मार्केटिंग। आपने बहुत जगह सुना होगा एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग। मान लीजिए मेरा जो प्रोडक्ट है मैं उसकी भी एफिलिएट करवाता हूं कभी कहीं, और मेरे प्रोडक्ट पर आप बेचेंगे, आप कुछ नहीं बना रहे, आप केवल मीडिएटर हो, आपने मेरा रेफर करा तो वो बिकेगा तो आपको भी अर्निंग हो जाएगी। मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया आपको कि किस प्रकार से आप जो है अपनी जो इनकम को 10 गुना ज्यादा बढ़ा सकते हैं। मेरा काम आपको नॉलेज देने का है, आप बेसिकली अप्लाई तो आपको करना। हम लोग अक्सर सोचते रह जाते हैं कि यार ये काम हम शुरू करेंगे शुरू करेंगे शुरू करेंगे, अरे शुरू करना कब होता है, शुरू कर दो, बाद में उसको देखेंगे क्या स्टेप। पहला स्टेप तो कभी ना कभी तो लेना पड़ेगा ना। लोगों को अक्सर फेल होने का डर बहुत रहता है कि मैं यार इस काम को नहीं कर पाया नहीं कर पाया। अरे ये तो जब तक करोगे नहीं आप, जब तक पता नहीं चलेगा ना आपको कि फेल हो गए कि सक्सेस हो गए, सफल हो गए नहीं हो गए। अभी दुकानदार दुकान खोल के बैठता है, उसको पता रहता है कि शाम तक कोई कस्टमर आएगा नहीं आएगा, पर उम्मीद होती है ना, जब वो बैठता तो आता भी है। कोई आपने ऐसा तो सुनी नहीं होगा ना दुकानदार की दुकान खोल के बैठा था भूखा ही मर गया वो। इनकम कम ज्यादा हो सकती है बट बाकी आपको पेशेंस बना के रखना पड़ेगा। इसी तरह के नए नए वीडियो, नए नए जानकारी के साथ में आपको अगर चाहिए बिजनेस विद टेक्नोलॉजी, आप बिजनेस किस प्रकार अपना ग्रो कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, मार्केटिंग कैसे करेंगे आप, किस तरीके से वेबसाइट बनाएंगे, प्रमोशन कैसे करेंगे, यहां तक कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको अगर नए हैं और बिजनेस स्टार्ट करना है तो क्या आपको रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए। इन सब चीजों को मैंने खुद से प्रैक्टिकली करा है इसलिए मैं इन चीजों को बेहतर बता सकता हूं, क्योंकि बहुत नुकसान उठाकर मैंने ये सब चीजें सीखी हैं। अगर ये सब आपको जानना चाहते हैं, आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो तुरंत चाहिए तो नोटिफिकेशन जो बेल है उसका आइकन दबा दीजिए ताकि नई वीडियो आते के साथ आपको तुरंत मिल जाए अलर्ट। और इसी के साथ अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। मैं नवीन कुमार, इजाजत चाहूंगा, धन्यवाद।